खबर है, फर्जी डिग्री मार्कशीट बनाने वाले के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश मिले हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा ने निर्देश दिए हैं, माफ कीजिएगा, डीजीपी उमेश मिश्रा ने ये निर्देश दे दिए गए हैं और ये सख्त निर्देश हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा रखी जा रही इन गिरोहों पर नजर, एडीजे क्राइम दिनेश एमएन कर रहे हैं कड़ी निगरानी और मॉनिटरिंग। फर्जी डिग्री मार्कशीट बनाने गिरोहों से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश। फर्जी डिग्री मार्कशीट बनाने से संबंधित विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थानों की अब निगरानी की जाएगी, मॉनिटरिंग और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर तत्काल अनुसंधान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। फर्जी डिग्री मार्कशीट बनाने वाले के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश डीजीपी उमेश मिश्रा ने ये निर्देश दिए हैं। तो पुलिस मुख्यालय द्वारा इन गिरोहों पर अब नजर रखी जा रही है, एडीजी क्राइम दिनेश एमएन निगरानी कर रहे हैं, ये कड़ी निगरानी मानी जा रही है, कड़ी मॉनिटरिंग मानी जा रही है और जिस तरीके की मॉनिटरिंग पहले हो रही थी अब उसे और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है और ज्यादा मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर तत्काल अनुसंधान पर कार्रवाई करने के भी निर्देश है। इन्हें टाला नहीं जाएगा, वक्त ज्यादा नहीं लगाया जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी ताकि आने वाले समय में एक मैसेज मिल सके और जो बच्चे हैं वो आराम से पढ़ाई कर सके, चाहे वो नकल गिरोह हो या फिर फर्जी मार्कशीट से जुड़ा मामला हो, क्योंकि वो लोग जो मेहनत करते हैं, वो अभ्यर्थी जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, नकल गिरोह उनके सपनों पर पानी फेर देते हैं और वो बच्चे जो बिना पढ़ाई के ही फर्जी मार्कशीट बनाने में बिलीव रखते हैं, अब उनके लिए भी टेंशन बढ़ जाएगी क्योंकि सख्त कार्रवाई के निर्देश, ये गिरोह अब जल्द पकड़ में आ जाएगा। फर्जी डिग्री मार्कशीट बनाने वालों की अब खैर नहीं है। शुभेंद्र सिंह परमार से होगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। शुभेंद्र, इस निर्देश के बारे में ज्यादा जानकारी दीजिएगा और यह भी बताइएगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, गंभीरता दिखा रहे हैं, ये उसके भी परिणाम है जो बैठक ली गई थी? बिल्कुल, ये उसी का परिणाम है और ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ दिन पहले जो मीटिंग ली थी सीएम भजनलाल शर्मा ने पुलिस अधिकारियों की, उस बैठक में निर्देश दिए थे सीएम ने कि इस तरीके के जो गिरोह हैं, जो झांसे में लेकर और फर्जी डिग्री और मार्कशीट देते हैं और खासकर फर्जी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नाम पर, इन पर प्रमुखता से कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि बाद में फिर बड़े रैकेट खुलते हैं और पता चलता है कि काफी पैसों की ठगी हो गई, चीटिंग हो गई, तो उसको लेकर जो डीजीपी उमेश मिश्रा उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं और जो एडीजी क्राइम है दिनेश एमएन उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि ऐसे लोगों पर और ऐसे गिरोहों पर वो प्राथमिकता के साथ कार्रवाई करें पूरा। चलिए ठीक है शुभेंद्र, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो, यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा, हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।